सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन आर एक्स एडिटर चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा लो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फ्रेंड, आइए हम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड देखिए, ये यहीं रहा हमारा सिंपल फ़ोटो, ठीक है। और सबसे पहले ज़्यादा कुछ नहीं करने, देखिए मतलब ये फ़ोटो है ना, ये यहाँ पे बुंदा बुंदा ये फट रहा है फ़ोटो, तो हम लोग इसको मतलब क्लीन करके दिखाते हैं, स्मूथ फ़ोटो को स्मूथ कर देते हैं फेस को, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, सबसे पहले स्केच बुक एप्लीकेशन को अंदर शेयर कर लेना है। फ्रेंड, हम स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर चले आए हैं और उसके बाद ये ब्रश वाला आइकन है ना, इस पर क्लिक कर लेना है। और इस ब्रश वाला आइकन पर क्लिक करके देखिए, ये ब्रश पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और इस पर आ जाना है और ये देख लीजिए सेटिंग को, सेम यही सेटिंग रखना है, ठीक है फ्रेंड, तभी आप लोग को फेस स्मूथ होगा। आप लोग मतलब अच्छा से देखिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद से फेस पर अप्लाई करते रहना है, ठीक है फ्रेंड। साइज को हल्का और बढ़ा लेते हैं। देखिए हमारा स्मूथ हो रहा है ना, फेस स्मूथ हो रहा है ना, ऐसे ही स्मूथ कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड देखिए, एब्रो के नीचे है ना, यहाँ पे मतलब ज़्यादा पतला हो जा रहा है, तो इसे करेंगे लोग आप लोग तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आँख पर भी चले जाएगा। तो इसको साइज को हम हल्का और कम कर लेंगे और उसके बाद से इस पर अप्लाई करते रहना है और फिर से साइज को बढ़ा लेना है फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड, हम फोटो को कर चुके हैं स्मूथ कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद से हम लोग को शेयर कर लेना है, यहाँ से शेयर है ना, इस पर क्लिक कर लेना है और फोटो को कर लेना है सेव। हाँ तो फ्रेंड देखिए, यही है हमारा सेविंग फोटो, ठीक है। उसके बाद से शेयर कर लेना है, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चले आना है फ्रेंड, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर क्लिक कर लेना है और उसके बाद से लाइटरूम में आ जाना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद से ये एडिट का ऑप्शन दे रहा है ना, इस पर क्लिक कर लेना है और फिर से ये कलर का ऑप्शन दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल कर लेना है फ्रेंड, नीचे स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड सेटुरेंट को ज़्यादा नहीं, बस इसको प्लस कर लेना है 33+, और बीम लेंथ को 24- रखना है और टेंट को 13+, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद से फिर से यहाँ पे मैक्स का ऑप्शन दे रहा होगा, मैक्स पर क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद से इस पर क्लिक कर लेना है ये कलर पे, और इसको 100- बीच वाले को 100-, ठीक है फ्रेंड। और इसको भी 100- रखना है, इस पर क्लिक करके, और इसको भी 100-, और फ्रेंड उसके बाद से इस पर क्लिक कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। और इसको भी 100-, और तो फ्रेंड इस पर क्लिक करके फिर से, और इसको 34+, और इसको 33-, बिफोर एंड आफ्टर। तो फ्रेंड उसके बाद से ये है ना, इस इंटरस पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद से क्वालिटी को 34+, और इसको 63+, और फिर इस पर क्लिक कर लेना है विवलेंट को, और इसको 29-, अमाउंट को 29-, और मिड पॉइंट को प्लस रखना है 71+, देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद से फिर से फ्रेंड इस पर क्लिक कर लेना है, लाइट का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक के नीचे सबसे आ जाना है और ब्लैक को ज़्यादा नहीं, बस 24-, और विंटनेस को ज़्यादा नहीं, बस इसको माइनस ही रखना है 27-, और शैडोज को ज़्यादा नहीं, बस 20-, देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद से फ्रेंड इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड, और इस पर क्लिक करके फोटो को कर लेना है सेव। हाँ तो फ्रेंड, फोटो को हम सेव कर चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर से, और फिर से फ्रेंड शेयर कर लेंगे हम लोग
स्नैपसीड है ना, इस वाले एप्लीकेशन को अंदर चले आना है, ठीक है फ्रेंड। और टूल्स पे क्लिक कर लेना है, टूल्स पर क्लिक करके ये क्रॉप है ना, इस पर क्लिक करके हल्का फोटो को मतलब कट इन कर लेना है और फोटो को फिर से डन कर लेना है फ्रेंड। फिर से टूल्स पर क्लिक करके कार्वेस पर क्लिक कर लेना है, दिखिएगा फिर से दिखिएगा, टूल्स पर क्लिक करके ये टारवेस है ना, इस पर क्लिक कर लेना है, कर्वेस पर क्लिक करके और इसको माइनस, फिर ग्रीन पर आकर इसको प्लस रखना है और फिर रेड पर आकर इसको माइनस और फोटो को डन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। और फिर से यहाँ इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ है ना इस पर क्लिक करके और भी एडिट पर क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक करके फिर इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। और फिर से ये है ना इसका ऑप्शन दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना और फोटो पर फेस पर अप्लाई करिएगा ना, तो जो भी मतलब है बाहरी का जो बैकग्राउंड पर हम किया है ना, बैकग्राउंड कलर किया है ना, वो हट जाएगा फेस पर, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही हटा लेना है, हाँ। तो फ्रेंड उसके बाद से हम लोग को काटना है, ऐसे मतलब साइड से कट कर लेना है, देखिएगा लो बिफोर एंड आफ्टर, बैकग्राउंड पर ध्यान दीजिएगा लो फ्रेंड, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद से हम फोटो को कर लेना है शेयर फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड देखिए ये रहा हमारा मतलब सिंपल फोटो एडिट के, उतना सिंपल भी नहीं है, थोड़ा ओवर टाइप का है, ठीक है फ्रेंड। तो हम आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, फिर से ये कलर है ना इस पर क्लिक कर लेना है, कलर पर क्लिक करके मैक्स पर आ जाना है, ठीक है फ्रेंड। और फिर से ये ग्रीन कलर है, इसको 100 प्लस कर लेना है और इसको 30 प्लस, सेंटुलेंट को 30 प्लस कर देना है। उसके बाद से इस पर क्लिक कर लेना है ये कलर पे और इसको भी 100 प्लस, ही को 100 प्लस कर लेना है और फोटो को कर लेना है डन। फ्रेंड हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग तो हमको अच्छा तरह से पता है कि आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, इस वीडियो में सीख चुके होंगे फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।